नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। किसान आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें मुख्य तौर पर एक जो सबसे बड़ा चेहरा निकल कर आए हैं वो राकेश टिकैत हैं। वो साफ तौर पर मंच से ऐलान कर चुके हैं कि जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ सरकार भी जस की तस बनी हुई है, कोई बैकफुट पर सरकार आने के मूड में नहीं है। हालांकि कुछ बीच का रास्ता भी सरकार की तरफ से निकाला गया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार अब अपनी। इसी बीच कुरुक्षेत्र में होने वाली महापंचायत को अटेंड करने के लिए जो राकेश टिकैत हैं वो पानीपत पहुंचे। यहां पर टोल प्लाजा पर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। हालांकि वो यहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुके, 5-6 मिनट के आसपास वो रुके और इसी दौरान मीडिया ने उनको घेर लिया और उनसे पूछा गया कि जो दिल्ली के लाल किले पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा हुई थी, उसका मुख्य आरोपी जिसे कि हम दीप सिद्धू के नाम से जान रहे हैं, उसको जो मुख्य आरोपी बनाया गया है उसको पकड़ लिया गया है। स्पेशल सेल ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो इसको लेकर राकेश टिकैत से उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई, जिस पर राकेश टिकैत ने जोर से कहा कि बहुत सही हुआ, सही कार्रवाई हुई और जिसने भी उत्पात मचाया था उसको तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करना ही था और अगर दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है तो बहुत अच्छा हुआ है। यहां पर राकेश टिकैत ने भले ही इस कार्रवाई का समर्थन किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो आंदोलन कर रहे किसानों के लिए आंदोलनजीवी का इस्तेमाल किया, उसको लेकर राकेश टिकैत ने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो गलत है, किसानों को आंदोलनजीवी या फिर परजीवी कहना पूरी तरीके से गलत है। टिकैत ने कहा मोदी ने किसानों का अपमान किया है, किसानों ने मोदी से कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ वो उन चीजों का विरोध कर रहे हैं जो उनके हित में नहीं है। ऐसे में अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आंदोलन परजीवी है तो फिर देश को आजाद करवाने वाले महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह क्या परजीवी थे? टिकैत ने कहा मोदी ने आंदोलनकारियों का अपमान किया है। बता दें आपको, दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की तादाद में किसान बैठे हैं, कई ऐसे किसान नेता हैं और उनके साथ साथ ही राकेश टिकैत भी हैं जो इस पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी कई जगह पर किसान इसी तरीके से बैठे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर वो दिल्ली भी आ जाएंगे, इस तरह का ऐलान वो कई बार कर चुके हैं। तो कुरुक्षेत्र में जो महापंचायत होनी है उसमें पहुंच रहे थे राकेश टिकैत, जिस दौरान पानीपत टोल प्लाजा पर उनको मीडिया ने घेरा और उन्होंने ये तमाम बातें उसी दौरान कही। आप राकेश टिकैत की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से इस आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी उससे आप कितना सहमत हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।